friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. I am back with another new video, and today's video is the question answer of video of chapter number 9, the living organisms and their surroundings. So friends, let's get started. Question number 1, what is adaptation? Adaptation kya hai? मतलब अनुकूलन, एडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन कहते हैं या फिर अनुकूल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. इसका आंसर है द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन. ऐसा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी प्लांट या एनिमल को उसके पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए बोलता है या करते हैं, वो अपने किसी एक इन्वायरमेंट के लिए वो सर्वाइव करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं एडेप्टेशन या कहते हैं अनुकूल. जैसे कि कोई जानवर है या कोई पौधा, अगर वो किसी वातावरण में रह रहा है और वो उस वातावरण के में नहीं ढल पा रहा है, तो वो अपने आप को उस वातावरण में ढालता है, वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल करता है. उसी अनुकूल को या अनुकूलन को कहते हैं एडेप्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन टू एडेप्टेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दीज कंडीशंस. किसी प्लांट के दो एडेप्टेशन बताने, मतलब उनको उनके दो बताने हैं गुण जो कि जिससे वो डेजर्ट एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, उस कंडीशन में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं. वो दो प्रॉपर्टीज़ हमें एडेप्टेशन की बतानी है प्लांट्स के बारे में. तो फर्स्ट है आंसर में, फर्स्ट है सम प्लांट्स हैव फ्लैशी स्टेम्स विच स्टोर वाटर इन दैम. कुछ प्लांट्स जो होते हैं जिनके स्टेम्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, जिनके अंदर वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं. जैसे कि एग्जांपल है कैक्टस का, द स्टेम इज़ कवर्ड विथ अ थिक वैक्स विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर. और इसके इन प्लांट्स के, मतलब कैक्टस में के जो स्टेम होते हैं वो थिक वैक्स से कवर्ड होते हैं, जिससे कि उनको वाटर का लॉस जो है वो कम होता है. डेजर्ट प्लांट्स लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो जब ट्रांसपिरेशन होता है उनका, ट्रांसपिरेशन का फुल प्रोसेस पहले पूरा मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया, आप वहाँ जा करके पूरा इसका प्रोसेस देख सकते हैं, मैंने आपको कैसे समझाया है. तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें वाटर का लॉस होता है, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका जो वाटर का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है. द डेजर्ट प्लांट्स हैव वेरी फ्यू लीव्स और दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं अगर उन प्लांट्स में, तो बहुत कम होती हैं या फिर किसी में तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी. और अगर वो लीव्स नहीं होती हैं लेकिन लीव्स के जगह क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं जो कि कांटे जैसे दिखते हैं, कांटेदार होते हैं. दिस प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. और यही स्पाइंस की वजह से उनका जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें लॉस, जो वाटर का लॉस होता है वो थोड़ा ही होता है. फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय द स्टेम. और ऐसे प्लांट्स में, मतलब डेजर्ट के प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो स्टेम के द्वारा होता है. जनरली जो है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीव्स करती है, लीव्स में होता है, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में स्टेम के द्वारा होता है क्योंकि इनकी लीव्स नहीं होती हैं. और इन सब का स्पाइंस जो होते हैं वो कैक्टस में होते हैं. आपने देखा होगा घरों में, अगर किसी के घरों में कैक्टस लगा होगा तो आप उसको देखिएगा, उसमें स्पाइंस होते हैं लीव्स की जगह. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लायंस हैव आईज इन फ्रंट एंड डियर ऑन द साइड्स. जो शेर होते हैं, लायन होते हैं, उनकी आँख जो होते हैं एकदम आगे को होते हैं, फ्रंट में होते हैं उनके हेड के, और जो हिरन होते हैं उनके साइड्स में होते हैं. हाउ इज दिस बेनिफिशियल टू बोथ. ये उन दोनों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, उनको मतलब इसका क्या बेनिफिट होता है. आंसर, लायंस हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस विच हेल्प्स देम टू लोकेट देयर प्रे इजिली. जो लायंस होते हैं उनके जब सामने, उनके हेड के सामने फ्रंट में आईज होती है, वो उससे उनको ये मदद मिलती है कि उनके जो प्रे होते हैं, उनका जो शिकार होता है, वो उनको ईजिली पकड़ लेते हैं या ईजिली देख लेते हैं, दूर दूर तक वो देख लेते हैं कि हाँ वहाँ पर मेरा शिकार है, तो फिर वो उनको, उनका शिकार करना उनके लिए, लायंस के लिए आसान हो जाता है. सेकेंड है डियर हैव आईज ऑन द साइड्स ऑफ द हेड विच एनेबल देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर. और जो डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, उनके साइड्स में होते हैं आँखें, उनके सर के साइड में होते हैं, जिससे वो हर एक डायरेक्शन में देख सकते हैं. और वो इतने चौकन्ने होते हैं क्योंकि वो हर डायरेक्शन में देख सकते हैं, तो अगर दूर से भी उनका कोई शिकारी आता है उनका शिकार करने, अगर वो उनको थोड़ी सी भी भनक लग जाती है तो वो फटाक से वहाँ से हट जाते हैं, भाग जाते हैं. तो वो, मतलब इनकी आँखें उनके इस कम में बहुत अच्छा मदद करती हैं, उनको खतरे से बचाती हैं हिरण को. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट
फोर एडेप्टेशन ऑफ द कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। यहाँ पे हमें एडेप्टेशन बताना है सर्वाइव करने के लिए, जो कैमल जो है वो यहाँ डेजर्ट में रहने के लिए सर्वाइव करता है, तो उसके अंदर कौन कौन से वो एडेप्टेशन होते हैं, किस किस को वो अडेप्ट करता है, कैसे वो करता है, यही पे है इस क्वेश्चन का मतलब आंसर है। एडेप्टेशन ऑफ द कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट आर, यहाँ इनके अडेप्टेशन है, फर्स्ट है कैमल हैज लॉन्ग लेफ्ट लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल की जो टांगें होती हैं, जो जो उनके पैर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, इससे क्या होता है कि जो जो सैंड की गर्मी होती है, जो बालू की जो गर्मी होती है वो उनके बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है और वो इससे बच जाते हैं, इसीलिए वो उतनी गर्मी में भी रह जाते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। सेकेंड है द कैमल स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प्स। कैमल जो है वो अपना फैट जो है वो अपने हम्प्स में स्टोर करता है। आपने देखा होगा कभी भी ऊँट को अगर देखिए तो ऊँट के पीठ पे थोड़ा सा उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उस उभरे हुए स्ट्रक्चर को हिंदी में कूबड़ भी कहते हैं और इंग्लिश में हम्प्स कहते हैं, तो वो अपना फैट उसी में स्टोर करते हैं। इट यूटिलाइज दिस फूड ड्यूरिंग शॉर्टेज एंड इज एबल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये उस फूड का, उस खाने का इस्तेमाल ये शॉर्टेज में करते हैं, जब इनके पास कुछ नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है और इनकी भूख के मारे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तब ये उसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ये बिना खाने के भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, लंबे समय तक ये बिना खाए रह सकते हैं, ऊँट जिंदा रह सकते हैं। थर्ड है इट कैन ड्रिंक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वन टाइम एंड देन स्टे विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो है, जो ऊँट हैं कैमल, वो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं एक समय पे, और इन ये जो है कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये बिना पानी पिए रह सकते हैं जीवित। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रूट्स इन एन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में मैंने पूरा आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, उनके क्या बेसिक फंक्शन, उनके रूट्स के बेसिक फंक्शन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर है इन एक्वेटिक प्लांट्स द रूट्स आर स्मॉल इन साइज। जो इनके रूट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, वो छोटे होते हैं साइज में, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। और इनका मेन जो काम होता है रूट्स का, कि उन पेड़ को वो होल्ड करके रखे, पकड़ करके रखे एक ही जगह पर, ये उनका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? अ हैबिटेट इज ए, हैबिटेट का मतलब होता है एक नेचुरल घर, प्राकृतिक घर, ठीक है। अ हैबिटेट इज ए नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव। ये एक हैबिटेट एक ऐसा नेचुरल प्राकृतिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए द हैबिटेट ऑफ ए फ्रॉग इज अ फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो फ्रॉग का जो घर होता है वो उस पानी होता है, वो पानी में रहता है, वाइल द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज अ डेजर्ट। और वहीं पे ऊँट का जो घर होता है वो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में ऊँट रहता है। ऊँट को अगर हम इधर लेते हैं पानी में और कहें कि पानी में ऊँट रह लें, तो ऊँट पानी में नहीं रह पाएगा, और अगर हम चाहें तो फ्रॉग को डेजर्ट पर रख दें तो फ्रॉग वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो वही है कि अलग अलग जंतु जानवर अलग अलग उनका हैबिटेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग थिंग्स। प्लग, मशरूम, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइनी, अर्थ वॉर्म। इन सब में से जो भी लिस्ट है नीचे दी हुई है, इसमें से कौन से जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो आंसर है इन द गिवन लिस्ट द नॉन लिविंग थिंग्स आर प्लग, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोट। इन सारे लिस्ट में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो है प्लग, यानी कि हल, जो हल जोतते हैं किसान वो, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन जो होता है, रेडियो और बोट, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर लिविंग थिंग्स के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र नहीं आ रहे हैं और ये खुद से ना हिल सकते हैं, ना इनमें जान होती है, कुछ भी नहीं होती है, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो विच थिंग्स वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है नॉन लिविंग थिंग्स की, इसमें से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो एक बार को लिविंग थिंग्स के पार्ट भी रह पार्ट हैं, जिन मतलब जो लिविंग थिंग्स से भी जुड़े हुए हैं, एक पार्ट है उनका। बटर, लेदर, सॉयल, वुल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर। आंसर, द नॉन लिविंग थिंग्स विच वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स आर बटर, लेदर, वुल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर। जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो कि एक पार्ट भी रहे हैं लिविंग थिंग्स के, वो हैं ये सारे। और ये क्यों हैं मैं आपको बताती हूँ। बटर, बटर जो है हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क को खरते हैं हम, जब हम मलाई, दूध में से मलाई को निकाल करके उसके बाद से हम उसको खरते हैं, मतलब उसमें से हम बटर निकालते हैं, बटर उसमें से निकलता है। तो और मिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलता है,
डेरी एनिमल से मिलता है, ये एक डेरी प्रोडक्ट है, तो एनिमल हमें डेरी देता है तभी तो हम बटर पाते हैं, तो ये एनिमल जो है वो लिविंग थिंग्स में आता है, इसलिए बटर जो है वो लिविंग थिंग्स का एक पार्ट है। सेकेंड है लेदर, लेदर जो है वो हमें एनिमल्स के स्किन से मिलता है, और एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, इसलिए ये भी एक लिविंग थिंग्स का पार्ट है। थर्ड है वुल, वुल जो है फैब्रिक है जो कि किसी शिप मतलब किसी नहीं सॉरी शिप के हेयर से हमें मिलता है फैब्रिक, बनता है वुल, तो वुल भी एक लिविंग थिंग्स में आएगा क्योंकि शिप तो एनिमल है और शिप जो है वो लिविंग थिंग्स है। कुकिंग ऑयल, फोर्थ कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो हमें सीड्स से मिलता है, हम किसी सीड्स से ऑयल प्राप्त करते हैं, और वो जो सीड्स होता है वो सीड्स हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें प्लांट से मिलता है, सो प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग्स में आता है, तो इसलिए कुकिंग ऑयल भी एक पार्ट हुआ लिविंग थिंग्स का। फिफ्थ है एप्पल, एप्पल जो है एक फ्रूट है, मतलब फ्रूट फ्रूट कहाँ से आता है, ट्री से आता है, यानी कि एप्पल जो है एप्पल ट्री से ही आएगा, और ट्री जो है वो लिविंग थिंग्स में आता है, इसलिए ये भी एक लिविंग थिंग्स का पार्ट हुआ। लास्ट है रबर, रबर जो है वो हमें हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं रबर, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, रबर ट्री के लेटेक्स से हमें रबर मिलता है, तो रबर ट्री होता है, तो ट्री जो है वो लिविंग में आता है, इसलिए ये भी लिविंग थिंग्स का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, हमें लिविंग थिंग्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि लिविंग थिंग्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग थिंग्स ही के अंदर ही मिलता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के ऐसे हैं, फर्स्ट है रिक्वायर फूड, लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, जैसे कि हम लिविंग थिंग्स में आते हैं तो हमें भोजन चाहिए, जीने के लिए भोजन चाहिए। सेकेंड है रेस्पायर एंड एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, हम रेस्पायर करते हैं, हम सांस लेते हैं, अगर हम सांस ना लें तो हम जीवित नहीं रहेंगे, और एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, और हम जो है अपने शरीर से जो शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन, उसको कहते हैं मतलब एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल। थर्ड है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन देयर एनवायरमेंट, हम स्टिमुलाई का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्ड, हम किसी चीज़ जो अपने हमारे एनवायरमेंट में या हमारे आसपास कुछ घटित होती है तो हम उसको क्विक रिस्पॉन्स उसका देते हैं, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मान लीजिए आप सब्जी काट रहे हो और आपके हाथ चाकू पे लग जाए तो आपको तुरंत ब्लड निकलने आता है, तुरंत आप, और वो जैसे आपका चाकू पे पड़ेगा हाथ, तुरंत आपका जो क्विक रिस्पॉन्स आपको ब्रेन को जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरा हाथ कट गया, और आप उसके लिए उसको उसके मतलब जब आपका हाथ कटेगा तो आप रिस्पॉन्ड करोगे तुरंत, इसी क्विक रिस्पॉन्ड को स्टिमुलाई कहते हैं, और ये जो है ये लिविंग थिंग्स करते हैं। फोर्थ है रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर, रिप्रोडक्शन होता है लिविंग थिंग्स में, रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जनरेशन बढ़ता है उससे जनरेशन बढ़ते हैं, मतलब हम लोग हैं आज कल को हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चे हमारा जनरेशन बढ़ा, उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो ये लिविंग थिंग्स का काम होता है रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को मेंटेन रखना। फिफ्थ है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। और लास्ट है ग्रो एंड डाई, बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं, ये भी लिविंग थिंग्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ वेरी विंडी एंड ड्राई इन द ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है और बहुत ही ड्राई होते हैं वो, हाउ हैज़ ग्रास अडेप्टेड इटसेल्फ टू दीज कंडीशन, ग्रास अपने आप को इस कंडीशन में कैसे वो अडेप्ट करता है, कैसे वो इस कंडीशन में सर्वाइव करता है वो हमें बताना है आंसर में। अडेप्टेशंस ऑफ आर, जो ग्रास के अडेप्टेशंस हैं वो हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग रूट्स टू फिक्स द प्लांट, ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि प्लांट को फिक्स करके रखते हैं नीचे ज़मीन पे। आप कभी ट्राई करना, कहीं आपको घास दिखेगी आप उसको उखाड़ने की कोशिश करना, वो बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़े होते हैं, वो जल्दी उखड़ते नहीं हैं। सेकेंड है फ्लेक्सिबल स्टेम्स सो डैट दे कैन स्टे विद द विंड एंड नॉट ब्रेक, जो उनके स्टेम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो हवा जब चलती है तो जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में वो भी मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में चलती है तो राइट में तो राइट मूव करते हैं वो हिलते हैं, लेफ्ट तो लेफ्ट मूव करते हैं, यही वजह है कि वो नॉट ब्रेक नहीं होता है, टूटते नहीं है जल्दी उनके स्टेम्स या फिर वो घास जो है। लास्ट है स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, और इनकी जो लीव्स होती है वो छोटी छोटी होती है जिससे कि उनकी जो वाटर लॉस होती है वो कम होती है, रिड्यूस होता है उससे, और वो इस कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स यहाँ पे टोटली कम्प्लीटली एंड होता है, इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 10 एक्सप्लेन करूंगी जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगी। सो फ्रेंड्स टिल देन मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।